और इस वक्त की बड़ी खबर गुलाम नबी आजाद से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश कांग्रेस नेता पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया गया, ये आजाद का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का डीएनए क्या है मुझे नहीं पता। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आजाद के इस्तीफे के बाद कहा था कि जीएनए का डीएनए मोदीमय हो गया है। अब उस पर हमला बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि पार्टी का डीएनए क्या है मुझे नहीं पता। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये कहा कि मैं उन्हें क्रूर समझता था, ये कहना है गुलाम नबी आजाद का। दरअसल उनसे सवाल पूछे गए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों उन्हें इतने साल बाद एक पार्टी में गुजारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया गया कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए। ये बड़ा हमला बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश पर हमला बोला है। और इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद ने जब इस्तीफा दिया था तो अपने 5 पन्नों की चिट्ठी में कांग्रेस पर और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि वरिष्ठ नेताओं का अब कांग्रेस में सम्मान नहीं किया जाता है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। अब भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं, ये सब गुलाम नबी आजाद का कहना था। और अब गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर जयराम रमेश के उस हमले पर जवाब दिया है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।